बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद नए नए तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं। सुशांत के करीबी और घर वालों का कहना है, सुशांत के शरीर पर चोट के निशान थे, गले का निशान भी संदिग्ध है। मुंबई पुलिस ने इस बात पर पर्दा डाला। इन्हीं कारणों से पुलिस सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पटना की SIT के हवाले नहीं करना चाहती। सुशांत के निधन के बाद कौन से सामानों को घटनास्थल के आसपास से जब्त किया गया, इसकी जानकारी भी पटना पुलिस को नहीं दी गई। पटना पुलिस के सूत्रों ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चल जाता सुशांत के शरीर पर किसी तरह की चोट थी या नहीं। मुंबई पुलिस के PM रिपोर्ट देने से इनकार करने के बाद पटना पुलिस की टीम उस हॉस्पिटल में गई जहाँ सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन वहाँ भी पुलिस की टीम को रिपोर्ट देने से मना कर दिया गया। ये सब कुछ महाराष्ट्र के बड़े पुलिस अधिकारियों के इशारों पर हो रहा है। दूसरी ओर सुशांत के करीबी आरोप लगा रहे हैं, जिन लोगों से पूछताछ करनी थी पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। उन्हें एक अफसर रिया के साथ मोबाइल पर बातचीत करते थे। रिया से इस बारे में कभी पूछताछ नहीं की गई कि उसकी कारस्तानी को मुंबई पुलिस सभी के सामने ला सके। बीती 14 जून को जब सुशांत के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था तो सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत की बहन को कॉल किया। सुशांत की बहन उनके घर पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सुशांत को फंदे से नीचे उतारकर बेड पर लिटा दिया गया। सुशांत के किसी भी करीबी ने उन्हें लटकते हुए नहीं देखा। सुशांत की गर्दन पर दिख रहे निशान को उनके करीबी अब संदिग्ध बता रहे हैं, क्योंकि किसी भी फांसी लगाने वाले शख्स की गर्दन पर वैसे निशान नहीं होते। जांच टीम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद कई चीजें स्पष्ट होंगी। फिलहाल आपको बता दें, ये केस CBI के हाथों में है। इस पूरे मामले पर आए दिन नए और बेहद गंभीर खुलासे हो रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।